हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज गुप्ता फुटवेयर। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कंप्यूटर से यूट्यूब में अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं। काफ़ी इजीली बताऊँगा और एंड स्क्रीन सारी चीज़ बताऊँगा कि आप कैसे हर चीज़ कैसे फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है और टाइटल टैग हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, थंबनेल कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पे ये सब कैसे अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अपलोड करने के लिए आपको चलना होगा मेरे कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सो गाइस, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद अब मैं अपना क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पास मेरे नीचे में क्रोम ब्राउजर ऐप है। सो गाइस, अब मैं अपना क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च बटन वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सर्च बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है youtube.com। सो गाइस, जैसे सर्च करोगे आपको इंटर आपके कीपैड में एक इंटर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पास आपको कुछ इस तरह का साइट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको कैमरा के अंदर एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पास आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं और इन तीन ऑप्शन में पहले एक है अपलोड वीडियो। अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो अपलोड वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है और दूसरा गो लाइव। आप गो लाइव तभी कर सकते हैं, यानी कि अपने लाइव तभी कर सकते हैं जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और तीसरा है क्रिएट पोस्ट। सो गाइस, क्रिएट पोस्ट कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है और एक क्रिएट पोस्ट आपको अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अभी तो मेरे को अपना वीडियो अपलोड करना है। सो गाइस, वीडियो अपलोड करने के लिए पहले तो मैं अपना अपलोड वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं अपलोड वाले वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यहाँ पास आपको एक नए पेज में लिया जाएगा और यहाँ पास आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट फाइल करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पास मैं एरो करके भी दिखा देता हूँ। आपको इस सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन से फोल्डर में आपने अपना वीडियो को डाल रखा है, यानी कि सेव करके रखा है, आपको उस पर सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्योंकि जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर अभी मेरा थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर उसके बाद आपका जो वीडियो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर से अभी लोडिंग ले रहे हैं तो लोडिंग लेना लेते हैं। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पर मेरा जो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट भी हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर से आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ डालना है यहाँ पर से डाल सकते हैं। सो गाइस, पहले तो मैं अपना टैग डाल लेता हूँ कि मैंने जो मैंने वीडियो बनाया वो किस टॉपिक पर बनाया। सो गाइस, यहाँ पास से मैं डाल देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं कौन सा टैग डालूँ या टाइटल डालूँ। जब मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद मेरे को जो भी चीज़ करना है उसके बाद कर लूँगा। सो गाइस, ये सब डाल देता हूँ। यहाँ पास आप ये मत सोचिएगा कि मैंने काटा पीटी किया अभी वीडियो को, ये ऑटोमेटिक जो डिस्क्रिप्शन है ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद आप जैसे नीचे आओगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको चूज़ द थंबनेल, यानी कि अपलोड थंबनेल का कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पास आपको थंबनेल लगाना है, यानी कि अपने वीडियो का थंबनेल लगाना है। पर मैंने अभी तक अपना वीडियो का जो ये थंबनेल है मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है। तो गाइस, अगर आपने बना लीजिएगा पहले ही बना लीजिएगा या फिर बाद में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस, यहाँ पास मैं अपलोड फोटो अपलोड थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, आपके फाइल में यानी कि फाइल खुल जाएगा। उसके बाद आपको ढूंढना है कि आपके कौन से फोल्डर में जो आपका थंबनेल है आपने कौन से फोल्डर में सेव करके रखा है। सो गाइस, यहाँ पास जल्दी जल्दी से मैं अपना फोल्डर ओपन करके अपना ये कोई भी जो मैंने पहले लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसी वीडियो का भी थंबनेल लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया उस उसी थंबनेल पर मैंने डबल क्लिक कर दिया। और अगर नहीं हो सकता, यानी कि अगर डबल क्लिक करने पे भी नहीं होता तो आपको नीचे ओपन करके भी ऑप्शन देखने को मिल गया था, आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, जैसे ये सब होने के बाद आपको अपना जो थंबनेल लगाने के बाद उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पास आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो है यस इट्स मेड फॉर किड्स और दूसरा है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो अगर आपको इस पे रहेगा तो आपको नॉट इट्स मेड फॉर किड्स पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो अगर बड़े लोग हैं उन लोग के लिए वीडियो है तो वो लोग नहीं देख पाएंगे। सो वाइस, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास एक प्रमोशन वाले यानी कि
फैड प्रमोशन वाले एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए, मतलब कि ये कह रहा है कि अगर आपको जो वीडियो है प्रमोटेड वाला वीडियो है, यानी कि किसी किसी ने आपको कहा कि मेरे इस वेबसाइट को प्रमोट कीजिए, इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके प्रमोट वाला वीडियो हो जाएगा। तो गाइस नीचे आने के बाद यहाँ पास आपको टाइटल लगाने के लिए कहा जाता है, अगर आपको अपना टाइटल लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया, अभी टाइटल वाइटल कुछ भी नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया। सो गाइस यहाँ पास जो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा है उसी को डाल देता हूँ। सो गाइस यहाँ पास मैं डाल देता हूँ विदाउट ऐप के अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने इस वीडियो का लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। सो गाइस यहाँ पास मैं जल्दी जल्दी से जो टाइटल है मैं डाल लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ कि उसके बाद आपको क्या क्या करना है। सो गाइस यहाँ पास मैं डाल रहा हूँ और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सो गाइस यहाँ पास मैं डाल दिए जो भी, फिर उसके बाद इंटर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पास ऑटोमेटिकली टाइटल बन जाएगा। सो गाइस उसके बाद यहाँ पास अगर आपको गलती से कोई और टाइटल ऐड हो गया तो यहाँ पास एक क्रॉस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको बस सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पास ऑटोमेटिकली जो आपका टाइटल है वो चले जाएगा, यानी कि हट जाएगा। सो गाइस ये सब चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पास आपको ये सब चीज़ कर लेना है। यहाँ पास जो मैंने अभी नीचे में डाला टाइटल, इसी चीज़ को मैं ऊपर में डाल देता हूँ क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था मेरे को, तो फिर मैंने डाल दिया। उसके बाद अब मैं वापस नीचे में आ जाता हूँ। सो गाइस ये सब थंबनेल में चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं, और यहाँ ये सब चीज़ हो जाने के बाद आपको नीचे में आना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वीडियो लैंग्वेज रिवाइंड यानी कि रिकॉर्डिंग डेट, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ फिल करना है आपको। पहले तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपके वीडियो में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है। तो गाइस यहाँ पास तो ऑब्वियसली कि मैंने हिंदी में ही बोलता हूँ, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोलता। सो गाइस यहाँ पास मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको थोड़ी देर वेट करना है, यानी कि वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उतना। और उसके बाद आपको डेट डाल देना है कि आपने, यानी कि आज की डेट डाल दीजिएगा या फिर कल की डेट मत डालिएगा, क्योंकि जिस दिन आप वीडियो अपलोड करें उसी दिन की डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको लोकेशन, वीडियो लोकेशन का ऑप्शन मांग रहा है, यानी कि आपने, आप इंडिया से हो या फिर अपना एड्रेस भी दे सकते हो, यानी कि जैसे कि आप मुंबई में रहते हो या फिर मुंबई के अंदर जहाँ भी रहते हो वहाँ का आप एड्रेस डालना चाहते हो तो डाल दीजिएगा। यहाँ पास मैं इंडिया ही डाल देता हूँ। उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये ऐसा ऑप्शन आ गया और यहाँ पास आपको सिर्फ इंडिया यानी कि गुजरात इंडिया ऐसे कुछ रहता है तो मैं सिर्फ ओनली इंडिया पे ही क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, फिर यहाँ पास आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पास आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, यानी कि आपकी कौन सी वीडियो में, यानी कि आपकी जो वीडियो है किस कैटेगरी पे है, इंटरटेनमेंट पे है कि कुकिंग पे है कि स्टाइल पे है या फिर किसी चीज़ पे समझा रहे हो या फिर स्पोर्ट्स पे है। सो गाइस यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी पे वीडियो है। सो गाइस यहाँ पास मेरा तो पहले से हाउ टू स्टाइल सेलेक्ट है। सो गाइस उसके बाद आपकी जो भी वीडियो कैटेगरी पे, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आपकी जो भी वीडियो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा एक कैटेगरी वटेगरी डालने के बाद यहाँ पर सब चीज़ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और कमेंट सेक्शन करके कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पास आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, होल्ड पार्टली इम्पॉर्टेंट कमेंट्स फॉर रिव्यू, यानी कि यहाँ पास ये बोला जा रहा है अगर आपको कमेंट यानी कि जो वीडियो है उस कमेंट में अगर आपको किसी ने गाली दी, गलौज दी, तो वो चीज़ आपके वीडियो में यानी कि नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, यूट्यूब खुद डिलीट कर देगा। सो गाइस ये चीज़ सेलेक्ट कर लेना क्योंकि आपकी ऑडियंस भी थोड़ा वो अट्रैक्ट हो, यानी कि डिसअट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपको ये सब चीज़ कर लेना। उसके बाद ये सब चीज़ फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पास आपको सब एड सब टाइटल एंड एड एंड स्क्रीन या फिर एड एड आई एड कार्ड करके एक ऑप्शन देखने को मिला है। एड कार्ड मतलब आई बटन, आप लोग जानते ही होंगे आई बटन करके ये सब चीज़ें। सो गाइस ये सब चीज़ ऐड करना है तो चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। पर सब टाइटल कैसा दिखता है, किस लिए ऐड किया जाता है ये भी बता देता हूँ। सब टाइटल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और ये कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में करना रहता है पर मेरे को नहीं जमता, यानी कि मेरे को उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना रहता। सो गाइस मैं एंड स्क्रीन लगाना चाहता हूँ तो पहले मैं ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ एक वीडियो लगाना है या फिर दो वीडियो लगाना है, यहाँ पास उसको आपके मजे के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पास मैंने एक से एक वीडियो के लिए और एक चैनल के लिए सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पास मेरा पहले से चैनल सेलेक्ट हो गया
और यहाँ पास एक वीडियो है, यानी कि इस वीडियो पर क्लिक करना है, यानी कि मेरे को वीडियो ऐड करना है, तो नीचे में एक इस पे ऐड सेलेक्ट टू ए, यानी कि कुछ सेलेक्ट स्पेशल वीडियो करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। इस पर इस टिक यानी कि जो सर्कल है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पास आपको जो भी यानी कि आपको जो भी एंड स्क्रीन में जो भी वीडियो लगाना है आप यहाँ पास से लगा सकते हैं। सो गाइस कंप्यूटर में भी अब अगर आपको एंड स्क्रीन लगाना है तो लगा सकते हैं, इसी तरह से आपको भी एंड स्क्रीन लगाना है तो लगा सकते हैं। और यहाँ पास अगर आपको छोटा बड़ा या फिर साइज के हिसाब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसे एडजस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पास मैंने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीज़ होने के बाद सेव पर क्लिक कर दिया हूँ, पहले से मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पास लोडिंग मेरा ज़्यादा ले रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, मेरा नेट भी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, इसी कारण आपका वीडियो यानी कि जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा लंबा लग जाता है। सो गाइस ये सब चीज़ होने के बाद यहाँ पास मेरा एंड स्क्रीन लग गया है, तो यहाँ पर टिक करके ऑप्शन आ गया। उसके बाद अगर आपको ऐड कर कर यानी कि आपको अगर आई बटन लगाना है तो लगा सकते हैं, मेरे को तो वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है पर आपको बताने के लिए मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि आई बटन को कैसे लगाया जाता है, ऐड कार्ड को कैसे लगाया जाता है। सो गाइस ऑब्वियसली पहले तो आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसे क्लिक करोगे यहाँ पास आपको पहले बता देता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पास सिर्फ पाँच ही चीज़ लगा सकते हो, यानी कि अगर आपको पाँच यानी ऐसे नहीं कि पाँच वीडियो पाँच लिंक पाँच प्लेलिस्ट ऐसे नहीं लगाना है। सो गाइस पहले तो मैं एक वीडियो लगा लेता हूँ, जो भी प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पास से मैं पहले तो एक कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि अगर आपको जो भी प्लेलिस्ट यानी कि प्लेलिस्ट लगाना है या फिर चैनल लिंक लगाना है या फिर अपनी वीडियो लगानी, सो गाइस वो सब चीज़ लगाने के बाद आपको यहाँ पास लगाने के बाद यहाँ पास आपको यानी कि टाइम लगा लेना है कि आप कौन से टाइम पे अपना जो आई बटन है वो दिखाना चाहते हैं कि कौन से टाइम पे वो आना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जिस टाइम पे भी रखना है, जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे मैं रख रहा हूँ उसी टाइम पे आपको भी रखना है। जो लोग मोबाइल से किए होंगे यानी कि ऐड कार्ड लगाए होंगे यानी कि आई बटन लगाए होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे। सो गाइस ये सब करने के बाद ये सब फिल करने के बाद आपको ऊपर में एक सेव करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर से मेरे को एंड स्क्रीन नहीं लगाना था तो मैंने बैक कर दिया उसको, मेरे को वैसे भी यानी कि एंड स्क्रीन नहीं ऐड कार्ड नहीं लगाना था तो बैक कर दिया। और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर चेक करके कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जब आपको अभी वेट करना है जब तक आपकी पूरी सक्सेसफुल वीडियो अपलोड नहीं हो जाती, उसके बाद यहाँ पर ये आपका चेक करेगा कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट कंटेंट तो ऐड नहीं किया गया है, कि ये सब चीज़ अभी वीडियो यूट्यूब चेक करेगा। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं टाइम यानी कि टाइम लेगा कि यहाँ पास अभी मेरा ने वीडियो अपलोड कर लिया है। सो गाइस यहाँ पास वीडियो अपलोड होने से पहले यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने पब्लिश करना है यानी कि पब्लिक करना है डायरेक्ट, कि यानी कि जब आपका वीडियो अपलोड होगा तो डायरेक्ट पब्लिक हो जाएगा या फिर अनसलाइड या फिर प्राइवेट, ये सब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शेड्यूल में डालना है तो शेड्यूल में भी डाल सकते हैं, यहाँ पास आपको भी शेड्यूल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि वाइटी स्टूडियो में भी शेड्यूल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पास भी आपको शेड्यूल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पास डेट टाइम वो सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप रात में बना लियो अपलोड कर दिए और आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे को कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाना। सो गाइस यहाँ पास ये सब चीज़ होने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ मेरा हो गया है, अब मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पास अभी लोडिंग ले रहे हैं, और गाइस अगर आपको चेक करना है कि आपका वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं, सो गाइस वो चीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करना है। सो गाइस यहाँ पास मेरी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट है, यहाँ मेरे कोई भी कॉपीराइट नहीं है, कुछ भी ऐसा रीयूज कंटेंट नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड ना कर सकूँ। सो गाइस यहाँ पास सेव वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पास मेरा लोडिंग ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, सो गाइस जल्दी से हो जाए तो अच्छी बात है। सो गाइस यहाँ पर से हो गया मेरा वीडियो सक्सेसफुल अपलोड हो गया, और यहाँ पर से ये कहा जा रहा है अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म में अपने वीडियो को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, बट मेरे को अभी कोई वीडियो को शेयर नहीं करना क्योंकि अभी मेरे वीडियो में आधा काम अभी बाकी है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आऊंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। तो फिर मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक लेते हैं एंड बाय बाय।